हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तरन्नुम और आप देख रहे हैं तरन्नुम डेली व्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तबीयत ठीक है, बस थोड़ी वीकनेस है, वो भी ठीक हो जाएगी। और ये देखिए मेरा चेहरा कितना मोटा हो गया है तो चेहरा नहीं, पूरी मोटी और ज़्यादा मतलब थोड़ा सा वेट बहुत थोड़ा बोलो बहुत बोलो समझ नहीं आ रहा, बस बढ़ गया है। जो भी है वेट बढ़ गया है मेरा, क्योंकि जब भी दवाई खानी पड़ रही थी तो कुछ खाओ फिर दवाई खाओ, कुछ खाओ फिर दवाई खाओ, उसकी वजह से मेरा वेट बढ़ गया है। और देखिए चेहरा कितना मोटा हो गया। फिर थोड़ा सा सही करती हूँ ना कुछ मेरे साथ हो ही जाता है कि फिर वहीं घूम फिर के फिर मुझे वहीं पहुँच जाती हूँ। चलो कोई नहीं, ज़िंदगी इसी का नाम है, ऐसी चलती है। तो चलो अब फिर थोड़ा सा ध्यान देती हूँ। और मेरा पता है क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे इतना मन कर रहा है मीठा खाने को, चटपटा खाने को, और डॉक्टर ने बिल्कुल सब कुछ मना कर दिया है। मैं कुछ नहीं खा सकती, ना मीठा और ना तो मिर्ची का, तो मैं कुछ नहीं खा सकती, बिल्कुल फीका खाना खाना है। मगर इतना ज़्यादा मन कर रहा है, और हस्बैंड से जब फीके तो मना कर देते हैं कि कुछ नहीं खाना, खाना साथ बैठ कर खाते हैं, तो वैसे भी बना कर कुछ नहीं खाती हूँ। और सही भी नहीं है क्या मैं चुपके से कुछ खा लूँ, क्योंकि मैं बीमार पड़ जाती हूँ। परेशानी तो फिर अनुषा को, उसके पापा को बहुत ज़्यादा हो जाती है, और अब तो काफ़ी दिन से बीमार थी। तो इसलिए अपना ध्यान पहले रखो, हम अपना ध्यान रखेंगे तभी हम दूसरों का ध्यान रख सकते हैं। मगर जब अपने ऊपर बीती है तब समझ आता है हाँ इसका मतलब क्या है, ऐसे सुनने में तो ऐसे लगता है। अब अपने ऊपर पड़ी है ना, अब समझ आ रहा है। पहले अपना ध्यान रखो, सही बात है, और फिर दूसरों का ध्यान हम तभी रख पाएंगे। तो आज का जो कुछ भी होगा वो आपके साथ शेयर करें। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने किचन में लंच बनाने के लिए, और लंच में मैं बना रही हूँ मसाले के चावल, क्योंकि अनुषा और उसके पापा को दोनों को ही मसाले के चावल बहुत पसंद है। और इतने मेरे चावल बनेंगे तो अनुषा भी स्कूल से आ जाएगी, तो मैं यहाँ पर फिर चावल बना लेती हूँ अपने। और ये देखिए मैंने कहा था अनुषा से चाय बनाने के लिए, और उसने चाय बनाई, मेरे पूरे भगोने की ऐसी हालत कर दी थी ना, काली एकदम। चाय रखकर और अंदर जाकर बैठ गई, उसकी क्या हालत की है। कोई नहीं, चलो बच्ची है अभी, तो फिर भी बहुत अच्छे से काम करती है, पहली बार ऐसा किया है उसने। तो चलिए मैं अपना लंच बना लेती हूँ। तो इधर बना रही हूँ अनुषा के लिए मैं मसाले के चावल, और अपने लिए बनाऊँगी बेसन का चीला। ये अनुषा ने क्या हाल किया है भगोने का, पूरा यहाँ तक काला हो गया था, इतना साफ हुआ है मांझ कर। चाय रखी और भूल गई रखकर, इस पर अंदर जाकर बैठ गए, पूरी चाय जल गई थी। चलो कोई नहीं, बच्चे से होता रहता है, हमसे तो अभी तक हो जाता है ऐसा। अपना बनाऊंगी अपना नहीं, बेसन का चीला बनाऊंगी अपने लिए, और अनुषा के चावल बन रहे हैं। और जो भी बस एक दो बर्तन होते हैं काम करती रहती हूँ, हाथों हाथ में धोती रहती हूँ, तो उससे ना किचन ज़्यादा गंदा भी नहीं होता, साफ़ रहता है। और ये मैंने इसलिए रखी हुई है क्योंकि बर्तन धोती हूँ उसमें रख देती हूँ, जो भी पानी होता है निकल जाता है, उसके बाद मैं रख दूँ। नहीं तो अगर गीले बर्तन ही रख दो ना तो फिर उसमें ना कॉकरोच हो जाते हैं यहाँ पर तो अनुषा भी स्कूल से आ गई है। इधर मेरे चावल भी रेडी हैं और मेरा चीला भी रेडी है, फिर अपना लंच करते हैं। तो खाना हमने खा लिया है और अब पी रहे हैं अपनी चाय। हस्बैंड भी चाय पी रहे हैं। चाय पी रहा हूँ, चाय मिल रही टाइम से क्या हुआ ऊपर कलर? अरे मुझे पट्टे बता रहे थे। कलर वो तो कहता बना दिया, कलर बना दिया। ये देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है, धूप भी नहीं निकल रही, बारिश भी नहीं हो रही, ऐसा मौसम है। कितना अच्छा लगता है ना ऊपर छत पर आकर, बस थोड़ा चढ़ने में दिक्कत होती है इतने ऊपर आकर, वरना इतना अच्छा लगता है। और बस हमारा ये भी रेडी हो गया है, अभी नहीं दिखाऊंगी, जब मैं इसमें आ जाऊँगी ना तब पूरा दिखाऊंगी। अभी बस ये है कि अब यहाँ पर आ जाऊँगी, फिर जिसमें रह रही हूँ उसमें थोड़ा काम कराना है, फिर उसमें शिफ्ट होना है थोड़े दिन के लिए ऊपर आऊँगी, ऊपर से नीचे तक वैसे तो सारा ही अपना है। मगर जिसमें मैं फर्स्ट फ्लोर पे पहले रही थी इसमें काम नहीं हुआ था, इसलिए पूरा ऊपर पहले ऊपर का पूरा बनवा लिया, फिर मैं ऊपर आई, अब और ऊपर आ रही हूँ। इंजो कहाँ पहुँच गई, इंजो छत पर कहाँ चली गई? तो बस यहाँ पर आऊँगी अब थोड़ा। इंजो कहाँ पहुँच गई है, इंजो कहाँ पहुँच गई, मुझे छोड़कर ऊपर चली गई। और आ जाओ, चलो चलो नीचे चलो। अपना कमरा दिखा देती हूँ, यह है मेरा कमरा। पूरा घर नहीं दिखाऊंगी, ये भैया पेंट कर रहे हैं कोई कोई नहीं। अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा पेंट करते हैं भैया। काफ़ी बार बुलाया सबको, सब खराब ही कर जाते थे, भैया बहुत अच्छा करते हैं। और ये मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं। हंस लेते थे मेरे को पापा थोड़ा सा, कोई कहेगा बीवी इतना हंसती है, हस्बैंड बिल्कुल नहीं हंसता। आप ये सुपर कवर का माल है, एक नंबर का प्लास्टिक प्लेट है, और प्लास्टिक प्लेट 4,500 रुपया 20 लीटर का है। ये 1 लीटर 330 रुपये का, इससे भी महंगा है जो ये प्लेयर है। ये कवर लगा इसी में तो बनवाए हैं, वो इसमें नहीं बना रहा था, बोला था इसमें कलर बनाएंगे ना तो कलर बिल्कुल वो नहीं आएगा, अलग जाएगा कलर, इसलिए। अनुषा को ना कल से इतना टेस्ट फीवर हो रहा है, अब उसकी ड्यूटी चल रही थी तो स्कूल भी जाना था, सुबह स्कूल गई, वहाँ से आकर और ज़्यादा फीवर हो गया उसे। ये रही, आज मैं दिखा नहीं रही थी उसको क्योंकि जब से स्कूल से आई है ना तब से ही रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, इतना रोती है ये जब इसको फीवर होता है। और बस मुझे भी बिठाने के पास पापा को भी, पापा चले गए थे छत पर काम कराने तो रोने लगी कि पापा मुझे छोड़ के चलेगा, बुलाओ, तो इतना रो रही थी। तो इसको चुप कराने के लिए बस थोड़ा इसका टेस्ट ठीक हो जाएगा। क्या खा रही हो अनुषा? फ्रेंच फ्राई समोसा, और मैंने बनाया अपना ये लौकी की सब्ज़ी रात बनाई थी तो बस वही, और मेरी ब्रेड ये खाऊंगी, और ये अनुषा के पापा की है। अभी दिखाती हूँ। तो बस ये हमारी चाय है, ये अनुषा के पापा की है। ये मेरी है लौकी की सब्ज़ी, ब्रेड, ये आधी ब्रेड थी ऊपर, सिर्फ ये रख ली, 1.5 ब्रेड थी, मैं यही खा लूँगी। और अनुषा अब ठीक लग रहा है थोड़ा, पता नहीं क्यों जब ये बीमार पड़ जाती है ना तो 2-3 दिन तक तो बिल्कुल ऐसी रहती है, उससे पहले तो ठीक नहीं होती। और रोती क्यों है वो इतना पापा के लिए? हाँ उसे पापा ही चाहिए होते हैं बस। दुनिया के बच्चे कहते हैं मम्मी मम्मी, ये कहती है पापा पापा। हाँ बेबा, क्यों कहती है? मैं होती हूँ ना पास, फिर पापा को क्यों बुलाती है? आप मुझे भाव नहीं देती, आप इंजू के पास रहती हो। मैं इंजू को भाव देती हूँ, और पापा पापा तो इंजू को मार देते हैं धक्का। तुझे भाव देते हैं पापा है? अच्छा, पापा इससे प्यार करते हैं, मैं इंजू से प्यार करती हूँ, ये कह रही है। चलो कोई नहीं, चलो खा लो आराम से, ठीक है। तो मैं डिनर में बना रही हूँ तोरी, डिनर में बना रही हूँ तोरी, कैसी है। तो चलिए फिर अपना डिनर तैयार कर लेते हैं, मैं फिर आपसे मिलती हूँ। हेलो, आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। मम्मी क्या कर रही हो? खाना बना रही, भूख लग रही है। हाँ, क्या बना रही हो? हाँ हाँ हाँ, मैं नहीं जा रही, नहीं आओगे कब दवाई लेने? चलो खड़ो बेबो, मैं चलूँ बेबो। ये अपने पापा से चिपकी रहती है, पापा के साथ ही जाती है सिर्फ। हाँ बेबो, पापा कह रही, पता मैं पापा से इसलिए प्यार करती हूँ, पापा मुझसे प्यार करते हैं, आप इंजू से प्यार करती हैं। सही से बोल, हाँ हाँ सही से बोल देना, ठीक है। इंजू के अलावा भाव किसे देती हूँ मैं? तेरे पापा को देती हूँ। इंजू के अलावा मैं तुम्हें भाव देती हूँ? नहीं देती बेबो, सही से बोल देना जो जो हो रहा, ठीक है। हाँ, और अनुषा गई है दवाई लेने, पता नहीं क्या हो रहा है। अब पहले मेरी तबीयत ख़राब थी, अब मैं ठीक हुई हूँ, तब अनुषा की तबीयत ख़राब हो गई है। और ये रही मेरी इंजू। अनुषा इतनी चिढ़ती है इससे कि आप इससे प्यार करती हो, ये है इंजू मेरी, कि आप इससे प्यार करती हो ज़्यादा और किसी को भाव नहीं देती इसके सामने। वो ऐसी है, उसके अलावा किसी और से ज़्यादा थोड़ा प्यार कर लो ना तो बस वो ऐसे चिढ़ने लगती है, और मेरी इंजू से भी चिढ़ती है। ये देखिए कितनी प्यारी सी मेरी अंजू। तो बस आज का यही था, और मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, तो हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़। ये देखिए कैसे बार बार प्यार कराने के लिए कर रही है। क्या हुआ अंजू?